नमस्कार, विराट न्यूज 24 में आपका स्वागत है। इस वक्त की हर अहम खबरों को लेकर हाजिर हैं हम और आपके साथ मैं आशीष त्रिपाठी। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में विगत दिनों हुई मारपीट के मामले में पुलिस के द्वारा साधारण मामला दर्ज किया गया था, जिसके विरोध में हिंदू छत्री वाहिनी के पदाधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर हमलावरों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करने की मांग की है। आपको बता दें कि मादक पदार्थों की बिक्री को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद चल रहा था। पिपरी गांव के शिवम मिश्रा, अजय सिंह उर्फ दादू अपने साथियों के साथ बैकुंठपुर जाकर धमकी दी थी। जानकारी के बाद बैकुंठपुर निवासी अजय सिंह अपने साथियों के साथ पिपरी गांव पहुंचकर मामले में बातचीत करना चाहता था। जैसे ही गाँव के लोगों को जानकारी हुई तो एक दर्जन युवकों ने उस पर हमला कर दिया था। हमला होते ही कुछ साथी भाग निकले, जबकि अजय सिंह नाम के युवक को पकड़कर गांव के लोगों ने जमकर मारपीट की थी। इस मामले में पुलिस ने साधारण मारपीट का मामला दर्ज किया था, जबकि संगठन के लोगों ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करने की मांग की है। मामले पे ज्ञापन दे रहे हैं क्या? ये थाना बैकुंठपुर के अंतर्गत ग्राम पिपरी है, वहाँ विगत 10 तारीख को अजय सिंह, आशीष गौतम के साथ आरोपी प्रिंस मिश्रा, शिवम मिश्रा, अजय सिंह उर्फ दादू व अन्य 10 लोगों ने जमकर मारपीट की सरकारी स्कूल के पास, जिसपे अजय सिंह व गौतम जी के सिर पे 22 व 19 टांके लगे, जिसमें कि हत्या का प्रयास का मामला दर्ज होना चाहिए। लेकिन थाना बैकुंठपुर पुलिस द्वारा इस पर एक साधारण 323-24 का मामला दर्ज कर आरोपियों को छोड़ दिया गया, जिससे उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि वो अभी भी फरियादियों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इसी मामले पे एसपी साहब को उन्होंने ज्ञापन देने आए हैं कि मामले की पुनः जांच करके उचित कार्रवाई करें व आरोपियों के विरुद्ध जो है हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर उन्हें दंडात्मक कार्रवाई से। कब की घटना? ये 10 अक्टूबर। क्या चाहते हैं? इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों और ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए विराट 24 न्यूज़ में।